कॉलेज, जिंदगी का वो समय जहां तुम अपनी पहचान ढूंढते हो, जहां तुम बनते हो, बिगड़ते हो, गिरते हो, उठते हो, लड़खड़ाते हो, संभलते हो, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ऐसे ही ये 3-4 साल कब बीत जाते हैं कुछ पता नहीं लगता। हम सब अपनी जिंदगी के मेन कैरेक्टर ही तो होते हैं। ऐसे ही हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर पहुंचता है अपनी कॉलेज लाइफ की शुरुआत करने। जतिन, एक इंट्रोवर्ट सा लड़का जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था। कॉलेज लाइफ की यही खास बात है कि भले ही तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, दोस्त फिर भी आसानी से मिल ही जाते हैं। अब भाई जतिन जरूर इंट्रोवर्ट था, मगर निहारिका नहीं। वो तो एक क्यूरियस सी टॉकेटिव लड़की थी। निहारिका की क्यूरियोसिटी के चलते ही दोनों की बातें शुरू हुई और दोस्ती हो गई, और इसी तरह जतिन भी उनके ग्रुप का एक पार्ट बन गया। साथ पढ़ना, साथ हंसना, साथ लंच करना, साथ बंक करना, ऐसी कौन सी चीज थी जो वो लोग साथ नहीं करते थे। पैसा इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, और यही पैसे की कमी ने जतिन को मिलवाया स्टेक से। अपने फेवरेट कॉमेडियन और सिंगर को स्टेक यूज़ करता देख जतिन तो जैसे हैरान ही हो गया। जैसे ही जतिन ने स्टेक यूज़ किया, वो उसकी आदत बन गई, और आदत लत। अबे यार, ये समय रहना और करण औजला भाई प्रमोट कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना इसमें। मैं भी एक बार छोटे अमाउंट से ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता मेरे को भी पैसा मिल जाए। Thank you.
वो जतिन जो पैसे बचाने के लिए कभी कैंटीन तक नहीं गया, आज पूरे ग्रुप को कैंटीन में पार्टी देने को तैयार था। पर वो कहते हैं ना, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ ऐसा ही हुआ जतिन के साथ। पैसे जीतने के चक्कर में अपने घर पे बिना बताए उसने 1,00,000 रुपए उस रात स्टेक पे लगा दिए। उसे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा था, पर इस बार जतिन की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया।